बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू है। 24 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता कर सकेंगे मतदान। मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, तो रामपुर में आजम खां की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। खतौली में भाजपा और सपा रालोद गठबंधन में टक्कर है, तो 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के हमारे साथ लखनऊ से सीनियर कोरेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, आज अगर बात करें तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है, वोटिंग को लेकर क्या कुछ अधिक अपडेट, कितने प्रतिशत अभी तक वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों का रुझान कैसा है वोटिंग को लेकर? साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा उदय, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 3 उपसभा चुनाव में 3 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए प्रतिष्ठावान सीट मानी जा रही है मैनपुरी, और मैनपुरी को लेकर के पूरे प्रदेश की निगाह मैनपुरी की सीट पर है। अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ वहां पे चल रहा है, और साफ तौर पे जहाँ एक तरफ अपनी साख बचाना अखिलेश यादव के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जीत का परचम लहराना और बसपा समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा का झंडा गाड़ना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अगर बात करें रामपुर की, रामपुर में वोटिंग तो शुरू हो गई, लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें तो 10 बजे चुनाव आयोग परसेंटेज खोलेगा। लेकिन साफ तौर पर डिंपल यादव की अगर बात करें उदय, तो लगातार वो आरोप लगाती आई समाजवादी पार्टी के लोग अभी निर्वाचन कार्यालय बैठेंगे, जहाँ पे उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, लगातार शराब और पैसे बांटने का एक ट्वीट भी डिंपल यादव ने किया था। तो साफ तौर पर भाजपा बनाम सपा जो है आज मैनपुरी दिखेगा। देखने वाली बात यह होगी कि मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव का साथ देती है, उनकी बहू का साथ देती है, या भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है और साथ ही तो वहां से लोकसभा जिताती है। लेकिन प्रतिष्ठा दांव पर है, परसेंटेज की अगर अभी बात करेंगे तो वो तो अभी नहीं निकल जाएगा, जल्द ही एक बार परसेंटेज एकदम क्लियर होगा, लेकिन लोगों ने मतदान डालना शुरू कर दिया है। 4-54 व्यवस्था है और साफ तौर पर 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से कैमरे के लैस रखा गया है, आरपीएफ सीआरपीएफ और यानी जो मिलिट्री के जवान है वो भी वहां पे लगाए गए हैं, फर्जी वोट ना पड़े ये प्राथमिकता है डीएम की, और मतदान स्थल को उपद्रवी तत्वों से बाहर रखा जाए ये भी शासन की मंशा है। शशांक जी अगर बात करें तो मैनपुरी इसके अलावा रामपुर सीट जो है वो सपा की काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, ऐसे में दोनों ही सीटों को लेकर बीजेपी और अन्य दलों की किस तरह से तैयारी है? कहीं ना कहीं बीजेपी दोनों ही जगहों पर कमल खिलाने की कोशिश करेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है और लगातार जी हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई सब ये कह रहे हैं, उनको ये पूरी तरीके से मालूम है या आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट में है भारतीय जनता पार्टी की, खतौली हो, रामपुर हो या मैनपुरी हो, मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और यानी रामपुर में भी, रामपुर और मैनपुरी जो है इस उपचुनाव में बहुत ही, क्योंकि आजम खान का सदियों से वहां पर अपना दबदबा रहा है, वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उसके बाद में जेल जाने के बाद जहां से अधिकार उनके बिगड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की साख और आजम खान की खुद की साख वहां पर दांव पर लगी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनकी साख पर चोट कर पाती है या नहीं, ये आज का दिन मतदाता तय करेंगे किसके पक्ष में, किसके भविष्य को, आजम खान के भविष्य को वो तय करेंगे या वो दूसरे जो विपक्षी दल है उनको वो करेंगे। खतौली की अगर बात करें, खतौली में समाजवादी पार्टी का दबदबा हल्का सा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का मेन वो नहीं है, लेकिन अभी का जो आप तीनों चुनाव की अगर बात कर लें, इंपॉर्टेंट सीट मैनपुरी है और रामपुर में अपनी साख बचाना आजम खान के, दोनों ही जगह टक्कर जो है बहुत ही ज्यादा यानी तेज है, तो ऐसे में अब शाम तक मतदाता तय करेगा कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, फैसला जी। अगर वोटिंग की बात करें तो किस तरह से वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है, लोग सुबह से ही पहुंचने लगे हैं और इसके अलावा किस तरह की व्यवस्था की गई है वहां पर पोलिंग बूथों पर? देखिए पोलिंग बूथ पर सब तरीके से मैंने आपको बताया, स्पष्ट किया पहले कि 9 बजे जो आता है परसेंटेज वो अभी तक नहीं आया है, 10 बजे वो परसेंटेज आएगा जो, और उसके बाद में कुछ कहा जाना सही होगा कि कितना परसेंटेज, कितना परसेंट वोट पड़ा है या क्या है,
दूसरी बात विश्वास में लोगों का आना है, सुबह से ही लोग आना शुरू कर दिए हैं और अभी तक हमें लगता है जो हमारा अपना आकलन है कि 13 से 14% वोटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन 9% वोटिंग की बात कही जा रही है कि लगभग 9% वोटिंग हुई है। तो ऐसे में अभी जब तक सरकारी आंकड़े नहीं आ जाते उधर वो कहना ठीक नहीं होगा। और अगर चुनाव आयोग की बात करें और व्यवस्थाओं की बात करें तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है, लाइनों में कतारें अलग है पुरुषों की और महिलाओं की। और साफ तौर पर अभी तक ईवीएम खराब होने की कोई शिकायत नहीं आई है, जो सबसे बड़ी बात होती है कि क्षेत्रों में ईवीएम खराब हो गए जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हो रहा, मतदान स्थल पे किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं है, सुरक्षा के मामले में अभी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई जहाँ पर फर्जी वोट की शिकायत हो। ये सब वो बातें होती हैं उधर जो मतदान को प्रभावित करती हैं और मतदाता को अभी फर्जी मतदाता के किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी अपनी नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो। समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता सब आमने सामने है और दोनों का प्रयास है कि फर्जी मतदान ना हो और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की कवायद में बढ़ाए। ये शशांक जी अगर बात करें तो हमने ये भी देखा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच बीच में हमने ये भी देखा मनमुटाव की खबरें आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने मैनपुरी सीट की बात सुनी और जैसे ही सुना कि डिंपल यादव जो है वो मैनपुरी सीट से हैं, ऐसे में दोनों की नजदीकियां कितना इस सीट को प्रभावित करेंगे इस चुनाव को, क्या वाकई में सपा जो है इस सीट को जीत पाएगी? देखिए साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा उदय कि समाजवादी पार्टी की राज जो थी वो परिवार से निकलकर सड़क पे आ गई थी, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में भुगता था और लगातार भुगतती चली आ रही। 2017 चुनाव का भुगतान उन्हें 2022 के में भी करना पड़ा। अपने पर भरोसा ना करके, परिवारवाद पर भरोसा ना करें, अपने परिवार के लोगों पर भरोसा ना करके अखिलेश यादव ने दूसरों से हाथ मिलाया और दूसरों के साथ निभाया, लेकिन शायद ये मुलायम सिंह यादव और नेता जी के ना रहने पर ये बात अखिलेश जी को समझ में आ गई और मैनपुरी की जनता ने भी ये समझाया कि बिना शिवपाल से हाथ मिलाए ये चीजें संभव नहीं है। और मैनपुरी में अमर खिलने से अगर कोई रोक सकता है तो शायद शिवपाल सिंह यादव ही है और शिवपाल सिंह यादव के ना होने पर शायद कमल खिलने में आसानी होगी और समाजवादी पार्टी को साइकिल चलाने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा फैसला लिया और लगातार जिनको वो नजरअंदाज करते रहे, जिनका अपमान करते रहे, जिनको सियासत में वो अपने कद से छोटा मानते रहे जबकि वो बड़े थे, ऐसे में अखिलेश यादव ने मौके की नजाकत को समझा और खुद डिंपल यादव को इसकी सलाह दी कि परिवार में सामंजस्य स्थापित किए। परिवार में सामंजस्य स्थापित होने के बाद जहां एक तरफ शिवपाल की नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था, वहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है क्योंकि जो वहां पर प्रत्याशी हैं साथ थे उनको वो शिवपाल सिंह यादव के चेले माने जाते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने वो राजनीति में आने वाले, उनको नौकरी दिलाने वाले हैं। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव के साथ होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काफी नुकसान पैदा कर सकता है। शशांक जी अगर बात करें तो हमने देखा कि अभी पिछले कुछ वक्त पहले ही जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो हमने देखा था कि कई ऐसी सीटें जो कि सपा की मानी जाती थी वहां पर हमने देखा था कि बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी और कमल खिलाया था। ऐसे में इस जो सीट है, दोनों ही अगर बात करें सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है सपा के लिए, तो ऐसे में सपा के लिए कहीं ना कहीं चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है बीजेपी से? निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में सबसे बड़ा दल है और उत्तर प्रदेश में जहां जहां सपा का दल रहा वहां वहां पटकनी देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार बढ़ती हुई लोकप्रियता कहीं ना कहीं जनता को मन परिवर्तन करने के उतार लाई है। और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा योगदान रहा है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहते हैं परिवारवाद की पार्टी थी, लेकिन जो परिवार में ही एका नहीं, नेताजी के बाद में दूसरे नंबर का कैडर रखने वाले अगर शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें, वो शिवपाल सिंह यादव को जिस तरह से नजरअंदाज करना, लगातार उनको एक ना होना, ये जनता में एक मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं जो परिवार था, जो चाचा थे, जो पिता थे, जब वही एक नहीं है और दो तीनों की राय अलग है तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे परिवार के लिए क्या करेंगे। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लगातार उपचुनाव में, चुनाव में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ही इनको भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी को। तो अब की अगर बात करें उदय, तो अब समाजवादी पार्टी को परिवार में एक साथ होने पर हो सकता है कि इसका फायदा मिले और वो अपनी साख बचा ले, लेकिन समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है और तीनों लोकसभा चुनाव में, लोकसभा उपचुनाव की सीटों में इसका असर देखने को मिलेगा कि क्या शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव के साथ में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बना, या शिवपाल सिंह यादव का आने से
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उनके वोटों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सब चीजें हैं जो आज शाम तक पहले मतदान में दिखेंगी, उसके बाद में 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें ये चीजें साफ हो जाएगी कि आखिर किस ओर राजनीतिक काउंट किस सर्वर बैठा। जी उदय जी, शशांक जी धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खगड़िया में भाजपा और सपा रालोद गठबंधन में टक्कर नजर आ रही है।